नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा साथी। और सीधा सवाल में आज के हमारे खास मेहमान हैं देवेंद्र पाठक जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय हिंदू परिषद के। देवेंद्र पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एटीवी। जी, सादर अभिनंदन आपका। देश के अंदर पहला सीधा सवाल हमारा यही है कि देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तीसरी टर्म में है भाजपा सरकार, क्या अभी भी हिंदू खतरे में है? जी, क्या हिंदू खतरे में है? जी, भारत के अंदर नहीं, विदेशों में भी हिंदू खतरे में आ गए हैं। हम आपको बताएं, मेरा जीवन पूरा भारतीय हिंदू परिषद नहीं, अन्य संगठन हिंदूवादी संगठनों में भी रहा है। आरएसएस से भी जुड़ा रहा हूं और भाजपा से भी जुड़ा रहा हूं। जिस तरह आज आदरणीय हिंदू भारत में नहीं, पूरे देश में और पूरे अन्य देशों में भी हिंदू बहुत खतरे में है। आदरणीय पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा, राजस्थान में देखा होगा और बंगाल में भी आपने देखा होगा। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हिंदू था 8 करोड़, आज मुसलमान था 8 करोड़, आज मोहम्मदन है 32 करोड़। श्रीमान जी, अगर ऐसे ही जनसंख्या हिंदुओं की कम होती रही और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब ये मुस्लिम पूरा कंट्री, मुस्लिम पूरा भारत हो जाएगा। आज हम लोगों को संगठित होने की बहुत जरूरत है। आदरणीय, हम देख रहे हैं मदरसे चला रहे हैं, मस्जिदों में भी आप देख रहे हैं, मस्जिदों के अंदर मदरसे नाम की एक से फॉर्मल भी है, वहां पर इस्लाम और जहादीकरण का विस्तारीकरण हो रहा है। हम आपको बताएं कि ना तो हमारे प्रधानमंत्री जी आवाज उठाते हैं, ना ही मुख्यमंत्री जी आवाज, हाँ मुख्यमंत्री जी उठाते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो एक ही शेर है पूरे भारत के अंदर, जिसने आवाज उठाई हिंदुत्व को जगाने के लिए, सनातन को जगाने के लिए, श्रीमान जी बनना, हमारे हजारों संगठन चल रहे हैं भारत के अंदर, लेकिन किसी ने तक कोई आवाज नहीं उठाई। बनना देश में तो आप देख रहे हैं लगातार हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं की बहु बेटियों के साथ। और आपको हम बताएं, पश्चिम बंगाल में भी किसी हिंदू संगठन ने आवाज नहीं उठाई, ना ही प्रधानमंत्री ने कोई आवाज उठाई। अब अगर कोई नेता आवाज नहीं उठाता तो हिंदुत्ववादी संगठनों को आवाज उठानी पड़ेगी और हिंदुओं को संगठित होकर एक होकर आगे आना होगा। नहीं तो आप ये समझ रहे हिंदू खतरे में नहीं, लेकिन दूर नहीं कि कल आज महाराष्ट्र में, बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, कल वो आज हमारे घर तक आएगी। इसलिए अब हमारे हिंदुओं को संगठित होना ही पड़ेगा, अगर नहीं हुए तो इसकी पीढ़ियां अंजाम भोगेंगे, हमारे बच्चे अंजाम भोगेंगे। श्रीमान जी, इस्लामीकरण दूर नहीं है, इस्लाम इतना चेतन है और हिंदू छोड़ा हुआ है। हाँ, कुछ लोग हैं जैसे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बागेश्वर धाम सरकार और भी संत हैं जिन्होंने हिंदुओं को जगाने का प्रयास किया, लेकिन हिंदू सो रहा है। जागना होगा, संगठित होना पड़ेगा, बनना हिंदुओं के लिए दिन दूर नहीं कि श्रीमान जी बहुत खतरे में नहीं, विनाश हो रहा है, खत्म हो जाएगा हिंदू अगर जागा नहीं श्रीमान जी। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने कहा कटेंगे जो है, पटेंगे तो कटेंगे, कितना सहमत है आप बयान से? जी जी, और जी जी, इसके लिए जी जी कटेंगे जी। सब जी, सबसे पहले तो हम आपको बताएं, पूरे भारत में अंदर किसी मुख्यमंत्री ने इतनी हिम्मत नहीं की, इतनी आवाज नहीं उठाई जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने उठाई है कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। ये सत्य श्रीमान जी, अगर हम लोग जात पात में बटकर रह गए कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, आयरवार, ये दलित, तो हम लोग एक नहीं हो पाएंगे। इसलिए योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के अलौकिक दिव्य शक्तियों के मालिक, जिन्होंने कहा कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, कटना नहीं है, अब संगठित होना ही पड़ेगा, ये उन्होंने चेतावनी दी है। अगर चेतावनी को हिंदुओं ने सुना, हिंदुओं को अपनाना ही पड़ेगा अगर संगठित नहीं हुए, ये उन्होंने आप ये समझ लें
चेतावनी दी है हिंदुओं के लिए, और हिंदू अगर समझ गया तो ठीक है, वरना आप समझ रहे हैं कि पूरा भारत समझ रहा है, उत्तर प्रदेश समझ रहा है कि हिंदू खत्म हो जाएगा श्रीमान जी, और इस्लाम हावी हो जाएगा। हम आपको बताएं एक नहीं अनेकों ऐसी बात आते हैं, पश्चिम बंगाल में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ कि उनकी माँ बाप के सामने उनकी लड़कियों में जब तक रेप होता रहा, जब तक उनके सामने दरिंदगी होती रही, जब तक वो मन नहीं उनके माँ बाप देखते रहे। अगर अब भी हिंदू नहीं जा रहा तब वो आज हमारे घर तक भी आएगी, जागना ही पड़ेगा। श्रीमान जी लंबी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने ये संकेत दिया, इन्होंने जो चेतावनी दी हिंदुओं के लिए, उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के संकेत भूलना ही पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश में बड़ी आवाज लगातार की आवाज उठाते रहते हैं, आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि अभी तक आप संगठनों में रहे हैं तो आपने बताया, लेकिन वर्तमान में जिस आप संगठन में हैं भारतीय हिंदी परिषद में, कब से चल रहा है, कौन चला रहा है, किस उद्देश्य के साथ चला रहा है और कहाँ से चल रहा है? जी मैं इससे पहले जो सिंधु स्वयं सेवक संघ में था श्रीमान जी, जिस संगठन में हम आए हैं भारतीय हिंदू परिषद में, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक श्री पवनेश जी महाराज हैं, 4 साल इस संगठन को हो चुके हैं, 5 लाख हमारे सदस्य हैं, 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, आदरणीय राष्ट्रीय संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज संरक्षक जी हैं हमारे संगठन के, और हमें ये खुशी हुई है कि इतने बड़े संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है श्रीमान जी, 22 देशों में चल रहा है और इतना विशाल संगठन है, हिंदुओं के लिए तो ही नहीं गौ रक्षा पे हमारा संगठन दूसरे जुड़ देता है, और गौ की रक्षा के लिए पूरे भारत में और पूरे विश्व में एक संगठन तैयार किया गया, तट पदाधिकारी भी तैयार किए गए हैं, हर समय कोई भी सूचना आती है तो हम सारे पदाधिकारी दौड़ते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है गौ की गौ कसी के लिए जो ट्रक कसाई लोग ले जाते हैं उनको भी रोकते हैं रात में बैरियल पर खड़े होकर। शंकराचार्य ने पिछले एक इंटरव्यू में कहा है, मीडिया उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि गाय कोई मार रहा है तो उसको सीधे गोली मारनी चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, संवैधानिक धर्म क्या हुआ इस बयान से कितना सहमत है जी, गाय को गोली मारनी चाहिए क्या संविधान और कानून का क्या? जी गौ हमारी माता है, सनातन धर्म में भी लिखा है, वेद पुराण शास्त्रों में लिखा है कि गौ माता के अंदर सारे देवता निवास करते हैं श्रीमान जी, और हमारा तो ये मानना हो सारे हिंदू संगठनों को एक आवाज उठानी चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री को भी लोकसभा में प्रस्ताव पारित करवाना चाहिए कि गौ को राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित करें जिससे गौ माता की सुरक्षा हो, अन्यथा अगर गौ माता को राष्ट्रीय पशु सुरक्षित घोषित नहीं किया गया श्रीमान जी समझ लें कि गौ माता को सुरक्षा करना नामुमकिन है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने गौ कई जगह पूरे भारत में गौशाला खुलवाई है, मैंने गौशालाओं का निरीक्षण किया है, कई बार गौशाला में गया भी हूँ, कोई व्यवस्था नहीं दिखी आदरणीय गौशालाओं में, गाय के लिए चारा नहीं है, खाने के लिए शंकराचार्य ने कहा गाय को राष्ट्रीय माता घोषित नहीं करना चाहिए, शंकराचार्य ने ये भी कहा जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, शंकराचार्य ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय माता नहीं घोषित करना चाहिए जी, हमारे राष्ट्रीय संत शंकराचार्य ने सत्य कहा है और इसके लिए पूरा हिंदू संगठन एक है, उनके वचनों का हम लोग पालन करेंगे और सहयोग करेंगे उनके हर आंदोलन के लिए, गौ माता के लिए वो आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे देवेंद्र पाठक को चर्चा में जुड़े थे, और हिंदुओं ने साफ तौर पर कहा है कि हिंदुओं को बहुत परेशानी खतरे में है, हम हिंदुओं की और हमारे संगठन की आवाज लगातार बढ़ाता रहेगा और बड़ा ही खतरा है, गाय के रक्षण के लिए भी हम कानून पारित करवाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इस कार्यक्रम में शुरू किए गए ज्यादा नमस्कार, आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है।